आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HQ-9 के बारे में। ये चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रिसेंटली पाकिस्तान ने एक्वायर किया था। इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की खरीद के दौरान पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से क्लेम किया गया था कि इस सिस्टम की रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक की है, लेकिन कल पाकिस्तान डे की परेड के दौरान पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बताया गया है कि इस सिस्टम की रेंज केवल 125 किलोमीटर तक की है। यानी कि इनिशियली पाकिस्तान मीडिया की तरफ से जो चीजें क्लेम की जा रही थी उसके हिसाब से इस सिस्टम की रेंज केवल आधी है। इस चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के एक्चुअली चार वेरिएंट्स हैं। बेसलाइन वेरिएंट HQ-9 कहलाता है, जिसकी रेंज 125 किलोमीटर के आसपास है। अगला सिस्टम, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर की है, उसको HQ-9A कहा जाता है, और जिस सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर की है उसको HQ-9B कहा जाता है। हालांकि अगर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन या कहें वेस्टर्न मीडिया के क्लेम की, तो वेस्टर्न मीडिया चाइना के इस क्लेम को अक्नॉलेज नहीं करती है। इनफैक्ट जेन्स की तरफ से रिसेंटली एक आर्टिकल किया गया था जहां पर उन्होंने कहा था कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज फाइटर जेट साइज के टारगेट्स के लिए 100 किलोमीटर तक की ही है और क्रूज मिसाइल्स के लिए इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है। एनीवेज, अब पाकिस्तान की तरफ से भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई है कि इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 125 किलोमीटर की ही है। आइए सुनते हैं उस क्लिपिंग को जहां पर परेड के दौरान ये चीज कही गई थी। आर्मी एयर डिफेंस हाई टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम हाई मैट HQ-9P जो कि 125 किलोमीटर तक फिजाई हदूद की बौसर हिफाजत कर सकता है। आर्मी एयर डिफेंस के बाद, जैसा कि आपने इस क्लिपिंग में सुना, पाकिस्तान को जो चाइना की तरफ से HQ-9 दी गई है उसकी रेंज केवल 125 किलोमीटर की ही है। हालांकि चाइना के पास में इस सिस्टम का लॉन्गर रेंज वेरिएंट है, लेकिन जो वेरिएंट पाकिस्तान को दिया गया है वो इसका बेसिक वेरिएंट है। यानी कि प्रैक्टिकली पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया जिस सिस्टम के बारे में सोच रही थी वो HQ-9B था, लेकिन एक्चुअली जो उनको सिस्टम मिला है वो बेसलाइन HQ-9 है। माना जाता है चाइनीज HQ-9 रशियन S-300 को मॉडिफाई करके बनाया गया है। चाइना के पास रशियन S-300 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं थी और इसी वजह से ये जो सिस्टम बनाया गया है उसमें काफी हद तक रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। इसमें यूज होने वाली मिसाइल सिस्टम काफी हद तक रशियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम में यूज होने वाली 9M-96 मिसाइल सिस्टम से मैच करती है। पाकिस्तान ने HQ-9 को इंडियन S-400 ट्रायम्फ के जवाब में खरीदा था। हालांकि भारत ने जो S-400 ट्रायम्फ अक्वायर की है उसमें यूज होने वाली मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर किया है उसकी रेंज इससे आधे से भी कम है। साथ ही साथ अगर नंबर की बात की जाए तो पाकिस्तान ने केवल इस सिस्टम की 4 बैटरीज अक्वायर की हैं और आने वाले समय में 6 और बैटरीज अक्वायर की जा सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए इंडियन S-400 ट्रायम्फ की, तो भारत ने इस सिस्टम की 5 रेजिमेंट ऑर्डर की हैं और एक रेजिमेंट में इन टोटल 16 लॉन्चर्स होते हैं। यानी कि इन दोनों ही सिस्टम का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम्स में से एक है, वहीं पर दूसरा S-400 ट्रायम्फ के प्रेडेसेसर यानी कि S-300 का रिवर्स इंजीनियर्ड कॉपी है। हालांकि चाइना अगर किसी सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर करता है तो वो केवल वहीं पर नहीं रुकते हैं, वो धीरे धीरे उस इक्विपमेंट को चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करके इम्प्रूव करते जाते हैं। कुछ ऐसा ही उन लोगों ने S-300 और HQ-9 के केस में किया है। बेसलाइन HQ-9 S-300 को रिवर्स इंजीनियर करके बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पहले HQ-9A आया और उसके बाद HQ-9B आया। लेकिन पाकिस्तान को जो सिस्टम मिल रहा है वो बेसलाइन HQ-9 है और अब ये चीज स्टैब्लिश हो गई है। वैसे चाइनीज HQ-9 एक डिसेंट सिस्टम है और इसको पाकिस्तान के अलावा अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मोराको को एक्सपोर्ट किया गया है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर टर्की भी इस सिस्टम को अक्वायर करने की बात कर रहा था, लेकिन बाद में उन लोगों ने रशिया से S-400 ट्रायम्फ खरीद लिया। एनीवेज, पाकिस्तान डे परेड से एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान को जो सिस्टम मिला है उसकी रेंज 125 किलोमीटर की ही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।